this is all intentional, Mr. FDM. नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF। ये जो वीडियो में आप गुस्सा करते हुए जिसे देख रहे हैं, ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। दरअसल जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे थे। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री एक अधिकारी पर भड़क गए और कहने लगे कि भक्ति करनी है तो कांग्रेस में चले जाओ। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को गुस्सा क्यों आया। जो आप पब्लिक प्रोग्राम में खड़े होकर के सांसद को फांसी बांटते हो और फिर भी आप नौकरी कर रहे हो, क्या इंटेंशन था आपका? हाउ डेयर, आपने कैसे कहा कि आज जो है आज जो प्रेजेंट सांसद तो आते ही नहीं है, पुराने सांसद आते हैं। आपको अटेंडेंस रजिस्टर रखने के लिए बनाया हुआ वहां पे, कैसे हो गया स्लिप ऑफ टंग? दिस इज ऑल इंटेंशनल मिस्टर एसडीएम। ये जो है ना आप ये अभी नौकरी पे पद पे रहने की लालसा में आप लोग जिस तरह के कृत्य करते हो, ये सरकारें स्थायी नहीं होती हैं। ये सरकार 6 महीने 12 महीने बाद में 1 साल बाद में बदल जाएगी, तुमको अभी 20 साल नौकरी करनी है। दरअसल जोधपुर जिले के भोपालगढ़ के SDM हवाई सिंह यादव कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने पाली के पूर्व सांसद बद्री जाखड़ की प्रशंसा की थी और उन्होंने कहा था कि वे मौजूदा सांसद से भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वे हमेशा लोगों के बीच रहते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में पीपी चौधरी पाली से भाजपा सांसद हैं। उसके बाद शनिवार को जोधपुर जिला मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद पीपी चौधरी और जिला कलेक्टर सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इसी मीटिंग में SDM हवाई सिंह यादव भी मौजूद थे। फिर क्या था, जैसे ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की नजर SDM हवाई सिंह यादव पर पड़ी तो वो आग बबूला हो गए। SDM को देखते ही सांसद पीपी चौधरी ने उनसे सवाल पूछना शुरू ही किया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें बीच में रोकते हुए बोलना शुरू कर दिया और इस घटना का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने SDM से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या आपको सांसद को सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार मिला हुआ है। इस पर अधिकारी ने कहा कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इसके बाद मंत्री अपने बगल में बैठे कलेक्टर को वीडियो दिखाने लगे। केंद्रीय मंत्री कहने लगे कि आप पब्लिक कार्यक्रम में सांसद को पासिंग मार्क्स दे रहे हो फिर भी नौकरी कर रहे हो, आपने कैसे ऐसा कहा? एक सांसद पर टिप्पणी करने का अधिकार आपको किसने दिया? आइए आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। कमाल हो गया कि चीफ जो आप पब्लिक प्रोग्राम में खड़े होकर के सांसद को पासिंग मार्क्स दे रहे हो और फिर भी आप नौकरी कर रहे हो, क्या इंटेंशन था आपका? हाउ डेयर, आपने कैसे कहा कि आज जो है आज जो प्रेजेंट सांसद तो आते ही नहीं है, पुराने सांसद आते हैं। आपको अटेंडेंस रजिस्टर रखने के लिए बनाया हुआ वहां पे, कैसे हो गया स्लिप ऑफ टंग? दिस इज ऑल इंटेंशनल मिस्टर SDM। ये जो है ना आप ये अभी नौकरी पे पद पे रहने की लालसा में आप लोग जिस तरह के कृत्य करते हो, ये सरकारें स्थायी नहीं होती हैं। ये सरकार 6 महीने 12 महीने बाद में 1 साल बाद में बदल जाएगी, तुमको अभी 20 साल नौकरी करनी है। उस प्रोग्राम में बुलाया था आपने सांसद को, यू आर द रिस्पॉन्सिबल मैन, और आप खड़े होकर के कह रहे हो कि उनसे ज्यादा एक्टिव है, ये ज्यादा दिखते हैं, वो कम दिखते हैं। हु इज गिविंग यू दिस राइट? यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड वर्किंग विद द अफर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट नॉट कंडक्ट? एंड हैव यू अपोलोजाइज विद द सांसद के सामने? ऐसे गलती होगी जाकर के, मैंने अभी कभी जिंदगी में ऐसा गलती नहीं करूंगा। वहीं इस दौरान सांसद पीपी चौधरी भी मौजूद थे और अधिकारी पर भड़कते हुए उन्होंने भी कहा कि आपने हमारी सिविल सर्विस को जबरदस्त अंडरमाइन किया है। सवालिया लहजे में आगे कहा कि आपकी निष्ठा किसी पार्टी के प्रति है क्या? यदि तलवे चाटने का इतना ही शौक हो तो नौकरी छोड़ और पार्टी ज्वाइन करो। ये तो आपने सिविल सर्विसेज को जबरदस्त अंडरमाइन किया, हमारी सिविल सर्विसेज ऐसी नहीं है। हमारे ISO RSO सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो जो उनकी ओथ जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति होती है। आपको पार्टी के प्रति है क्या? किसी पार्टी के प्रति तो आप वहां पर मंच पर भाषण देते हो, हद होगी। और इतने जुटे चाटने का अगर शौक है तो फिर पार्टी ज्वाइन कर दो ना, नौकरी छोड़ दो।
नहीं, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे बिकॉज यू आर हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ही शुड बी सेंटेड आउट फ्रॉम द सर्विस. इट इज अ सीरियस मिसकॉन्डक्ट ऑन हिज पार्ट. द इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड एंड फोर्थविथ ही शुड बी प्लेस अंडर सस्पेंशन. And you conduct the initiate inquiry and you should be suspended. नहीं, आप कंटेम्प्लेट में कंटेम्प्लेशन में करिए, सस्पेंड रिकमेंड करिए. नहीं, आप रिकमेंडेशन करिए. मैं एक बार तो सुना आपने, सांसद पीपी चौधरी ने कलेक्टर से यह भी कहा कि ऐसे लोगों को नौकरी में नहीं रहना चाहिए, इन्हें जांच पूरी होने तक सस्पेंड किया जाए. इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं. इंटेंशन था आपका, हाउ डेयर आपने कैसे कहा कि आज जो है आज जो प्रेजेंट है, आप सांसद तो आते नहीं है, पुराने सांसद आते हैं. आपको अटेंडेंस लिस्ट रखने के लिए बनाया हुआ है, कैसे हो गया स्लिप ऑफ टंग? दिस इज ऑल इंटेंशनल मिस्टर एसियन. कमाल हो गया कि चीफ जो आप पब्लिक प्रोग्राम में खड़े होकर के सांसद को पासिंग बांटते हो और फिर भी आप नौकरी कर रहे हो. क्या इंटेंशन था आपका, हाउ डेयर आपने कैसे कहा कि आज जो है आज जो प्रेजेंट सांसद तो आते ही नहीं है, पुराने सांसद आते हैं. आपको अटेंडेंस लिस्ट रखने के लिए बनाया हुआ वहां पे, कैसे हो गया स्लिप ऑफ टंग? दिस इज ऑल इंटेंशनल मिस्टर एसडीएम. ये जो है ना आप ये अभी नौकरी पे पद पे रहने की लालसा में आप लोग जिस तरह के कृत्य करते हो, ये सरकारें स्थायी नहीं होती हैं. ये सरकार 6 महीने 12 महीने बाद में 1 साल बाद में बदल जाएगी. तुमको अभी 20 साल नौकरी करनी है. उस प्रोग्राम में बुलाया था आपने सांसद को, यू आर द रिस्पॉन्सिबल मैन. और आप खड़े होकर के कह रहे हो कि उनसे ज्यादा एक्टिव है, ये ज्यादा दिखते हैं, वो कम दिखते हैं. हु इज गिविंग यू दिस राइट? यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर and working with the affirmation of the constitution. Is it your conduct? And have you apologized with the sansad ke saamne? Aise galti hogi ja kar ke maine abhi kabhi zindagi mein aisa galti nahi karunga. ये तो आपने सिविल सर्विसेज को जबरदस्त अंडरमाइन किया. हमारी सिविल सर्विसेज ऐसी नहीं है. हमारे ISO RSO सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो जो उनकी वोट जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति होती है. आपको पार्टी के प्रति है क्या किसी पार्टी के प्रति? तो आप वहां पर मंच पर भाषण देते हो और इतने जुटे चाटने का अगर शौक है तो फिर पार्टी ज्वाइन कर दो ना, नौकरी छोड़ दो. नहीं, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे बिकॉज यू आर हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ही शुड बी सेंटेड आउट फ्रॉम द सर्विस. इट इज अ सीरियस मिसकॉन्डक्ट ऑन हिज पार्ट. The inquiry should be conducted and forthwith he should be placed under suspension. And you conduct the initiate the inquiry and you should be suspended. नहीं, आप contemplate में contemplation में करिए, suspension को और recommend करिए. नहीं, आप recommendation करिए. मैं एक बार मैंने ये